नमस्कार, मेरा नाम वैष्णव भारद्वाज है। मैं NSA की नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ और छत्तीसगढ़ की को इंचार्ज हूँ। मेरा बचपन बहुत अच्छा था, जस्ट बिकॉज मेरी मम्मी ने इसे संभाला है। एक पूरा फैमिली जो थी वो सिर्फ मेरी मम्मी थी। आइडियोलॉजीज मेरा एक ही है कि मेरी पूरी फैमिली ने इस कांग्रेस पार्टी को ही हमेशा इसलिए चुना है, हम एकता जानते हैं। जो अदर पार्टीज है कहीं ना कहीं झगड़े फैलाने का काम करेंगे या कहीं जात पात के लिए नफरत रखते हैं, पर कांग्रेस पार्टी एकमेव ऐसी पार्टी है जो किसी चीज़ के लिए डरती नहीं। एक्चुअली क्या हुआ था, जिस हमारे कॉलेज में एक खड्डा हुआ था रोड के जिस बाजू में, जिसके वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो NSU का प्रोटेस्ट था वो टाइम पे, तो मैं गई प्रोटेस्ट में। एंड सेकंड 3 to 4 आवर्स में उस गड्ढे में प्रोटेस्ट के बाद स्टफ वगैरह डाल के प्रॉपर रोड बन गया था। तो तभी से मैंने देखा कि हाँ, मैं कैपेबल हूँ कि मैं कर सकती हूँ और भी लोगों के लिए आवाज़ उठा सकती हूँ और फ्यूचर में भी यही करना चाहती हूँ। और कॉलेजेस के बच्चे, हम लोग स्टूडेंट्स हैं, दोस्ती का हाथ हम जानते हैं और दोस्ती निभाना आज का युवा और आज का स्टूडेंट जानता है। राहुल जी के बारे में बोलना चाहूँगी। जब मेरा फर्स्ट मीट था राहुल जी से, तो उन्होंने मुझे पूछा था कि वैष्णवी, जब तुम्हारी मम्मी का देहांत हुआ था और जब तुम उस कमरे में थी, जब तुम्हारे क्वारंटाइन थे तुम, और वो टाइम पे तुम उस कमरे में क्या फील कर रही थी? मैंने बोला सर, मुझे बस एक ही चीज़ थी कि मम्मी का डेट एक बार देखने को मिल जाए तो मेरे लिए बिग डील थी वो चीज़। तो वही चीज़ मुझे हमेशा याद रहेंगी कि राहुल जी को एटलीस्ट मेरा इस पेन से बहुत कनेक्ट कर गए थे वो टाइम पर। मैंने इतने देखा है, हमारे यंगस्टर्स है, जो हमारे बूढ़े हैं, अरे जो लोकल पब्लिक है, ये आज कॉमन लोगों की बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट चीज़ें हम सभी के लाइफ में। महंगाई हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट जो इतना भारी मात्रा में बढ़ रहा है, जात पात में झगड़े हो रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि कहीं ना कहीं एक हमारे जैसा गरीब परिवार बहुत सारी चीज़ें फेस कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जब हम पीछे देखते हैं ना, वो सब हमारे साथ है और आगे जब हम जाएंगे ना, इस चीज़ का सोल्यूशन वही रहेगा।